एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय एलजी प्रशासन हाय एलजी प्रशासन हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट हाय एलजी प्रशासन हाय एलजी प्रशासन हाय एजुकेशन डिपार्टमेंट 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 हाय एलजी प्रशासन एजुकेशन डिपार्टमेंट एलजी प्रशासन एजुकेशन डिपार्टमेंट एलजी प्रशासन एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने वेलकम किया था। एजुकेशन पॉलिसी जो है वो 2019 में आई थी, 2019 और आज 2023 है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने कोई भी नोटिफिकेशन जो है इम्प्लीमेंट करने की नहीं निकाली। अब अगर इम्प्लीमेंट करने भी है तो आप गोवा की तरह, जिस तरह गोवा में जो न्यू नर्सरी क्लास की 3 साल के क्राइटेरिया पे जो एडमिशन हो रही है, उन्होंने पहले नर्सरी क्लास का क्राइटेरिया इम्प्लीमेंट किया और फर्स्ट क्लास का टाइम रख दिया 2026 का, जो बच्चे पहले के पढ़ रहे हैं, जो इनरोल में है, उनको परेशानी ना आए। और अब एलजी प्रशासन ये कहता है एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने नोटिफिकेशन नहीं निकाली। और कल एक प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल सामने आता है जो अपने पेरेंट्स को खज्जल कर रहा है, और उसके बदौलत सारे स्कूल ही पेरेंट्स को खज्जल कर रहे हैं, सड़कों पे आने पे मजबूर कर रहे हैं, ये बच्चा जो सड़कों पे आ गया, तो उसका कहना था हमने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके बदौलत हमने बच्चों को पेरेंट्स को खज्जल कर दिया, रोडों पे ला दिया जी। तो आप मुझे बताइए कि स्कूल वाला ये कहता है कि आर्टिकल पढ़ा, एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है मैंने नोटिफिकेशन नहीं निकाला, तो ये कंफ्यूजन कौन दूर करेगा? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन दूर जल्द से जल्द की जाए जी। एलजी साहब को कहना चाहते हैं, आप बड़े बड़े पॉलिटिशियनों का, बड़े बड़े हजारों लोगों के प्रोटेस्टों का आप जवाब देते हैं जब आप पे उंगली उठती है जी। लेकिन हम लोग आप पे उंगली नहीं उठा रहे, हम एजुकेशन पॉलिसी पे उंगली नहीं उठा रहे, हमने उसका वेलकम किया है। हम ये कहते हैं आप इंटरवीन कीजिए और इन बच्चों को डिप्रेशन में जाने से बचाइए, इन बच्चों के फ्यूचर को बचाइए, इन बच्चों को एडमिशन दिलाइए, क्योंकि ये इनरोल में बच्चे हैं, ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं, और प्राइवेट स्कूल इनको खज्जल कर रहे हैं। मुश्किल हो रही है, हम अपना काम काज छोड़ के हम 5-6 बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि हमें कोई क्लेरिफिकेशन आए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए या एलजी साहब से आए। अब देखो, जैसे कोविड में जैसे कि फीसें ली इन्होंने हमारे से, कोविड में फीसें ली, सब कुछ लिया, वो जब गवर्नमेंट ने निकाला था स्कूल वालों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लेकिन जब स्कूल की फायदे की बात आती है तो ये एक आर्टिकल पढ़ के उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है। इससे हमारे बच्चे हैं जो खज्जल हो रहे हैं, अब उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, हमने पूरे साल फीसें दी हैं उनको, ठीक है ना, पूरे साल फीसें दी हैं उनको, पढ़ाया है, हमारे बच्चे अगर फर्स्ट क्लास में नहीं जाएंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है ना। जो भी बच्चा है हमारा, हम चाहते हैं एलजी साहब से कि जो आपने ये जो इम्प्लीमेंट किया है, जो नया रूल लाया है 3+ से, ये हमें स्वीकार है, अच्छा रूल है, लेकिन आप इसको सही ढंग से, सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें, अगर ये है तो। अभी ये भी नहीं मालूम कि ये है भी है कि नहीं है, ये हवा में ही है, एक आर्टिकल पढ़ के हमें खज्जल किया जा रहा है। और एलजी साहब से हम कहते हैं कि प्लीज एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी कहिए कोई क्लेरिफिकेशन तो हमें दीजिए, हमारे बच्चों का स्कूल का रिजल्ट रोक दिया गया है, तो हमें कोई क्लेरिफिकेशन आए, एलजी साहब से आए, एजुकेशन डिपार्टमेंट से आए, हम यही मांग करते हैं कि हमें कोई क्लेरिफिकेशन मिली जाए।